हेलो दोस्तों, मैं अमीर और आपका मिस्ट्री पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में आपको आईएसएल सीजन के लिए बेंगलुरु एफसी के फुल शेड्यूल यानी कि कौन से टीम के साथ कौन से तारीख पर और कौन से मैदान पर मैच होगा सब बताऊंगा इस वीडियो में। तो दोस्तों, वीडियो लास्ट तक देखते रहिए। दोस्तों, मैं आपको पहले बता देता हूँ कि बेंगलुरु का होम ग्राउंड है श्री कंठरबाई स्टेडियम, जो बेंगलुरु में ही है। और दोस्तों, अगर आप बेंगलुरु एफसी के पूरे स्क्वाड के यानी कि खिलाड़ियों के बारे में जानना चाहते हैं तो मैंने इसके लिए भी वीडियो बनाया था और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पर दे दिया है। आप लिंक क्लिक करके वीडियो देख लीजिए। और दोस्तों, इससे पहले मैं और भी टीमों का शेड्यूल के बारे में बता चुका हूँ यानी कि डेट टाइम के बारे में बता चुका हूँ। आप अगर वो वीडियो भी देखना चाहते हैं तो मैंने उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन पर दे दिया है। आप लिंक क्लिक करके वीडियो देख लीजिए। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको शेड्यूल के बारे में बता देता हूं। तो दोस्तों, बेंगलुरु एफसी अपना पहला मैच खेलेगा 19 नवंबर रात 8 बजे मुंबई सिटी एफसी के साथ अपने होम ग्राउंड पर, और उसके बाद खेलेगा 26 नवंबर रात 8 बजे दिल्ली डायनामोज के साथ अपने होम ग्राउंड में ही, और उसके बाद मैच होगा 30 नवंबर रात 8 बजे एफसी गोवा के साथ जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, जो गोवा का होम ग्राउंड है वहाँ पर होगा। दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट मैच होगा 8 दिसंबर रात 8 बजे नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड के साथ इंदिरा गांधी एथलेटिक स्टेडियम पर, जो गुवाहाटी में है और नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड के होम ग्राउंड है वहां पर मैच होगा। उसके बाद होगा 14 दिसंबर रात 8 बजे पुणे एफसी पुणे सिटी के साथ श्री शिव छत्रपति स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जो पुणे का होम ग्राउंड है वहाँ पर मैच होगा। उसके बाद नेक्स्ट मैच होगा 17 दिसंबर शाम 5:30 बजे से चेन्नई एफसी के साथ अपने होम ग्राउंड पर। उसके बाद नेक्स्ट मैच होगा 21 दिसंबर रात 8 बजे जमशेदपुर एफसी के साथ होम ग्राउंड में। उसके बाद नेक्स्ट मैच होगा 31 दिसंबर शाम 5:30 बजे से केरला ब्लास्टर के साथ जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, जो कोची में है और केरला का होम ग्राउंड है वहां पर मैच होगा। दोस्तों, उसके बाद नेक्स्ट मैच होगा 7 जनवरी 2018 को शाम 5:30 बजे कोलकाता के साथ अपने होम ग्राउंड में, और उसके बाद नेक्स्ट मैच होगा 14 जनवरी रात 8 बजे दिल्ली डायनामोज के साथ जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, जो दिल्ली का होम ग्राउंड है वहां पर मैच होगा। उसके बाद होगा 18 जनवरी रात 8 बजे मुंबई सिटी एफसी के साथ मुंबई फुटबॉल एरिना, जो मुंबई का होम ग्राउंड है वहां पर मैच होगा। उसके बाद मैच होगा 26 जनवरी रात 8 बजे नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड के साथ अपने होम ग्राउंड में। उसके बाद नेक्स्ट मैच होगा 31 जनवरी रात 8 बजे से चेन्नई एफसी के साथ जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, जो चेन्नई में है और चेन्नई का होम ग्राउंड है वहां पर मैच होगा। उसके बाद नेक्स्ट मैच होगा 3 फरवरी 2018 रात 8 बजे कोलकाता के साथ कोलकाता के होम ग्राउंड विवेकानंद भारती क्रीड़ांगण, जहाँ पर मैच होगा। उसके बाद मैच होगा 8 फरवरी रात 8 बजे से एफसी गोवा के साथ अपने होम ग्राउंड में। उसके बाद नेक्स्ट मैच होगा 25 फरवरी रात 8 बजे जमशेदपुर एफसी के साथ जमशेदपुर एफसी का होम ग्राउंड जेआरडी टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, वहां पर मैच होगा। उसके बाद लास्ट मैच होगा 1 मार्च को 2018 रात 8 बजे केरला ब्लास्टर के साथ अपने होम ग्राउंड में। तो दोस्तों, ये था बेंगलुरु एफसी का पूरा शेड्यूल आईएसएल सीजन 4 के लिए। और दोस्तों, मैंने बेंगलुरु एफसी के शेड्यूल के एक चार्ट बनाया है और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पर दे दिया है। आप लिंक क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिए। तो दोस्तों, ये वीडियो ही था। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर दीजिए। दोस्तों, ऐसी आईएसएल से जुड़ी और भी खबरें पाने चाहते हैं तो आप लोगों का चैनल एमएससी यूट्यूब जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। अभी के लिए अलविदा।